नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यशराज है और आज हम पूर्णिमा की तिथि पर सत्यनारायण पूजा करने के महत्व को समझने जा रहे हैं। हम इस वीडियो को चार सरल भागों में डिवाइड करेंगे। भाग एक, पूर्णिमा क्या है। पूर्णिमा ये एक संस्कृत शब्द है। पूर्णिमा का दिन प्रत्येक महीने में वो दिन या तिथि होती है जब हम आकाश में संपूर्ण चंद्र यानी कि फुल मून देख सकते हैं और प्रत्येक महीने में दो चंद्र पक्ष के बीच विभाजन या डिवीजन को चिन्हित करता है। इस तिथि में चंद्रमा, सूरज और पृथ्वी एक साथ बिल्कुल एक सीधी रेखा में होते हैं, जिसे सहजीवन या इंग्लिश में सिनर्जी कहा जाता है। भाग दो, पूर्णिमा का महत्व क्या है। पुराणों के अनुसार पूर्णिमा का दिन जन्म, पुनर्जन्म, निर्माण और अभिव्यक्ति या मैनिफेस्टेशन से जुड़ा हुआ है। इस शुभ दिन पर चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्र पूरा करता है, जो किसी के जीवन में एक अध्याय के अंत और एक नए अध्याय की शुरुआत या न्यू बिगिनिंग्स का प्रतीक है। साइंटिफिक रूप से अगर देखें तो पूर्णिमा के दौरान चंद्रमा की ग्रेविटी का खिंचाव समुद्र पर एक बड़ा प्रभाव पैदा करती है, साथ साथ मानव शरीर में भी पानी के लेवल्स को रेगुलेट करता है। इसीलिए इस दिन उपास करने से शरीर में एसिड की मात्रा नियंत्रित होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की सफाई होती है और हमारे ब्रेन के फंक्शनल कैपेसिटी में भी सुधार होता है। भाग तीन, भगवान सत्यनारायण कौन है। सत्यनारायण स्वामी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। संस्कृत में सत्य का अर्थ सच्चाई या ट्रूथ होता है और नारायण पृथ्वी पर भगवान विष्णु के जुड़वा भाई के रूप को कहा जाता है और नारायण का अर्थ सर्वोच्च प्राणी यानी सुप्रीम बींग भी है। साथ में सत्यनारायण का अर्थ है उच्चतम प्राणी जो सत्य का अवतार है। लोग अपने करियर में ग्रोथ और बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं। ये पूजा आमतौर पर गृह प्रवेश, विवाह और नामकरण संस्कार के साथ की जाती है। भाग चार, पूर्णिमा पर सत्यनारायण पूजा करने का क्या महत्व है। सत्यनारायण पूजा करने के लिए कोई पर्टिकुलर दिन नहीं है, लेकिन पूर्णिमा के दौरान इसे करना बहुत शुभ माना जाता है। जो भक्त इस शुभ दिन पर चंद्रमा की पूजा करते हैं, भगवान चंद्रमा भक्तों को अपनी दिव्य किरणों से उपहार देते हैं। बड़ी संख्या में भक्त प्रत्येक पूर्णिमा तिथि को सत्यनारायण व्रत करते हैं, वो मंदिरों में जाते हैं और जो भक्त भगवान विष्णु की सच में मन से पूजा करते हैं, वे अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पूजा के दिन भक्तों को व्रत का पालन करना चाहिए। पूजा सुबह और शाम को भी की जा सकती है, हालांकि शाम को सत्यनारायण पूजा करना अधिक उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि भक्त शाम को प्रसाद के साथ व्रत तोड़ सकते हैं। तो अगर अगली बार आप सत्यनारायण पूजा कराना चाहते हैं, आप speedypandit.com से बुक कर सकते हैं। वैदिक पाठशाला से सीखे हुए सर्टिफाइड पंडित जी और सारी पूजा सामग्री आपको हमसे मिल जाएंगी। और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।